कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसा कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था, तो आइसक्रीम के बीच में पहुँचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुँह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया, तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काट ले जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो काट ले, इसका पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया, तो मैं मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है। कि क्या कंप्लेन आएंगे, क्या है ये पूरा केस? 12 तारीख को शाम को हमारे पास एक कंप्लेन आए थे, उन्होंने बताया कि बाबा उन्होंने जेप्टो से कुछ सामान ऑर्डर किया था, उसमें आइसक्रीम भी थी, और आइसक्रीम खाते टाइम उनको कुछ मुंह में ऐसा कुछ लगा, तो उन्होंने देखा तो जो उनको लगा कि ऐसा कोई बॉडी पार्ट है, उंगली जैसा कोई है, तो हमारे पास आए, उनका हमने कंप्लेन दर्ज किया, और वो जो पार्ट था जो आइसक्रीम में मिला था वो हमने सीज किया है, और हमने वो FSL को भेजा है। IPC 272, 273 और 336 IPC के तहत गुना दाखिल हुआ है और उसकी जांच कर रहे हैं।